जॉइंट पेन, कमर दर्द, हड्डियों की कमजोरी के कारण जो इंसान चल भी नहीं सकता वो दौड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए जॉइंट पेन यानी आर्थराइटिस का इलाज लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक नुस्खा लेकर आए हैं जिसका प्रयोग करके अगर आपको जॉइंट पेन रहता है, कमर में दर्द रहता है, हड्डियों की कमजोरी आपको बनी रहती है, कैल्शियम की कमी है आपके अंदर, तो वो सारी ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, जो इंसान चल भी नहीं सकता वो भी इस नुस्खे का प्रयोग करके दौड़ने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं वो है चूना। दोस्तों, अगर आप चूने का प्रयोग करते हैं यानी चूने का सेवन करते हैं तो चूना घुटने के दर्द को ठीक कर देता है, कमर के दर्द को ठीक कर देता है। यदि आपको कंधे, कमर में कहीं पर भी दर्द है यानी बॉडी में कहीं पर भी पेन है तो वो आपका इससे ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, एक खतरनाक बीमारी है स्पॉन्डिलाइटिस, जो चूने से ठीक हो जाती है। स्पॉन्डिलाइटिस में रीढ़ की हड्डी में सूजन आ जाती है तो वो रोग भी आपका इससे ठीक हो जाता है। कई बार हमारे रीढ़ की हड्डी में जो मनके होते हैं उसमें दूरी सी आ जाती है यानी गैप बढ़ जाता है, गैप आ जाता है, जिसे ये चूना ही ठीक कर सकता है। और दोस्तों, जब हमारी रीढ़ की हड्डी में गैप आ जाता है यानी हमारे मन के सरक जाते हैं तो इससे बहुत पेन होता है। आदमी कुछ काम करने के लायक ही नहीं रहता, उठते बैठते उसकी कमर में दर्द ही रहता है, या फिर अगर वो लेट जाता है तब भी उसकी कमर में चैन नहीं पड़ता। तो आप इस बीमारी में चूने का प्रयोग कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी की सब बीमारियां चूने से ठीक हो जाती हैं। अगर हड्डी कहीं से टूट जाए तो हड्डी को जोड़ने का गुण भी इसमें है। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने की ताकत सबसे ज्यादा चूने में होती है। इसके लिए आप चूने का सेवन सुबह खाली पेट करें। अगर दोस्तों आपके मुंह में ठंडा गर्म पानी लगता है तो चूना खाने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुंह में अगर छाले हो गए हैं तो चूने का पानी पीने से वो तुरंत ठीक हो जाता है। शरीर में जब खून कम हो जाए यानी आपके शरीर के अंदर खून की कमी हो गई है तो आप चूने का सेवन जरूर करें। इससे क्या होगा, आपकी एनीमिया यानी खून की कमी जो है वो ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को खून की कमी रहती है वो चूने का सेवन जरूर करें। ये चूना आप गन्ने के रस में मिला के ले सकते हैं, संतरे के रस में मिलाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है आप इसे अनार के रस में डाल कर लें। अनार के रस में चूना पीने से खून बहुत बढ़ जाता है, बहुत जल्दी खून बनता है। आपने चूने का प्रयोग सिर्फ थोड़ा सा करना है। एक कप अनार का रस लें आप और गेहूं के दाने के बराबर आप चूना लें। इन दोनों को मिलाकर आप खाली पेट सुबह लें तो आपकी खून की कमी है जो वो ठीक हो जाएगी। आपके मुंह में छाले हैं वो ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, जब कोई स्त्री गर्भावस्था में है तो उसे चूना रोज खिलाना चाहिए। उसे अनार के रस में चुटकी भर चूना मिलाकर दें। इससे क्या होगा कि उसका बच्चा जो है वो हष्ट पुष्ट होगा, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, वो बच्चा तंदुरुस्त रहेगा और उसका बच्चा जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेगा अगर माँ ने चूना खाया है। और दोस्तों, उसका बच्चा बहुत ही होशियार, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट किस्म का होगा तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों, उसकी कमर में दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि गर्भवती स्त्री है जो उसकी कमर में दर्द होने लग जाता है तो ये दर्द भी उसका ठीक हो जाएगा, साथ ही साथ बच्चे का दिमाग भी तेज होगा। जिन बहनों को मासिक धर्म में दिक्कत आती है तो उनके लिए भी चूना बहुत ही अच्छा है। मोनोपोज यानी पीरियड्स का बंद होना, इस स्थिति में भी आप चूने का सेवन कर सकते हैं। बस आपने ध्यान ये रखना है कि चूने का ज्यादा सेवन ना करें, बिल्कुल गेहूं के दाने के बराबर आप चूना लें और वो आप जूस में मिलाकर ले सकते हैं, थोड़े से गुनगुने पानी में ले सकते हैं या ठंडे पानी में भी मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं, दाल में मिलाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं, लस्सी में मिलाकर सेवन कर सकते हैं, इन सब तरीकों से आप इसका सेवन कर सकते हैं। और दोस्तों, जिन बच्चों की बुद्धि कम है, दिमाग कम काम करता है उनका, उनके लिए भी चूना बहुत ही लाभदायक है। बच्चों को चूना खिलाने से उनका दिमाग तेज हो जाता है। और दोस्तों, जो बच्चे पढ़ रहे हैं यानी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उन्हें चूना देना बहुत ही अच्छा रहता है। एक तो उनकी लंबाई से बढ़ती है और दूसरा उनके जो स्मरण शक्ति है, याद करने की शक्ति है, वो बढ़ जाती है। दोस्तों, बस आपने ध्यान ये रखना है, गेहूं के दाने के बराबर आपने चूना लेना है, उसका सेवन करना है और आप इसको पानी में मिलाकर ले सकते हैं, किसी भी जूस में मिला सकते हैं, फिर ले सकते हैं, अनार के जूस में आप इसका सेवन कर सकते हैं या फिर दाल में मिलाकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। चूना आपको फायदे ही देगा। और दोस्तों, जो लोग पान खाते हैं वो उसमें तंबाकू वगैरह भी मिला लेते हैं तो तंबाकू तो कैंसर का कारण बनता है, तो आप
तंबाकू ना मिलाएं। बेशक पान का सेवन आप सौंठ मिलाकर करें, इलायची मिलाकर कर लें, लौंग मिलाकर कर लें, केसर, सौंफ, गुलकंद और चूना मिलाकर इसका सेवन करें, तब आपके लिए पान बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप ये सारी चीजें नहीं ले सकते तो आप सिर्फ चूने का सेवन करें, किसी भी जूस में मिलाकर, लस्सी में मिलाकर या फिर पानी में मिलाकर, और इसका सेवन आपने सुबह खाली पेट करना है। दोस्तों वैसे तो आपने इसका 21 दिन सेवन करना है, 21 दिन में आपको काफी फर्क लगेगा, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, जॉइंट पेन नहीं रहेगा, घुटनों में दर्द है वो नहीं रहेगा, या यूं कहे कि बॉडी में जहां भी पेन है आपका वो ठीक हो जाएगा। अगर घुटनों में घिसाव आ गया है, डॉक्टर ने कहा है कि घुटने बदलवा दो, तो इसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप इसमें चूने का सेवन कर सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों हर श्रृंगार यानी पारिजात का जो पौधा होता है उसके आप पत्ते का काढ़ा बना लीजिए अपने लिए, तो इससे क्या होगा आपके घुटने में दर्द कम हो जाएगा। काढ़ा पी लें उसका, उस काढ़े से आप घुटनों का दर्द ठीक कर सकते हैं, घुटने आपके अच्छे से काम करने लग जाएंगे। दोस्तों जैसा कि राजीव भाई कहते हैं, चूना खाइए पर चूना लगाइए मत, यानी हमें चूना खाना चाहिए, किसी को लगाना नहीं चाहिए, ये हमारे खाने के लिए भगवान ने दिया है, किसी को लगाने के लिए नहीं। तो दोस्तों आपको भी अगर कहीं जॉइंट पेन है, शरीर में दर्द है, हड्डियों में कमजोरी है, कैल्शियम की कमजोरी है, आपके बच्चों का दिमाग कम है या प्रेग्नेंट लेडी है, उन सबको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी अनेक समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी दबा देना, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।